hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइज, वेलकम टू दी आकांक्षा एक्सेसरीज। आज हमारे पास आई है R15V3, ये देख सकते हैं, जिसमें हमने इसका स्टॉक हैंडल निकाल के दूसरा हैंडल इसके अंदर इंस्टॉल करा है हमने, ये देख सकते हैं, ताकि बैक पेन वगैरह ना हो, इसलिए इसके अंदर हमने हैंडल इंस्टॉल करा है। सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट वर्क हुआ है इसके अंदर। हैंडल के बार एंड्स भी लग चुके हैं और फ़ोन होल्डर भी, और स्विचेज़ वगैरह भी माउंट करने में जो दिक्कत आती है वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी। होल्डर लग चुका है, प्लस प्रॉपर वर्किंग है, कोई वाइज़र पे टच नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये देखें, ये पूरा स्टॉप हो चुका है यहाँ पर, और कोई वायर कटिंग वगैरह कुछ नहीं है। ये देखें, इसका वाइज़र भी कंप्लीट जैसा आता है गाड़ी का, वैसे ही इसका वाइज़र है, और आपका एक्सीलेटर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, ब्रेकिंग भी प्रॉपर है, सब कुछ इसके अंदर प्रॉपर हुआ है आपका। ये देखिए, इस तरह से इसकी माउंटिंग आती है, पूरा बोल्ट ऑन है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की गई है। साथ में इसमें हमने हैंडल राइजर्स भी इसमें इंस्टॉल करे हैं, क्योंकि ये भैया की हाइट जो है काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये इसके अंदर ना, जिसके 1.5 इंच के राइजर्स आते हैं आफ्टर मार्केट, जो इसका क्लिप ऑन हैंडल होता है उसे लगाने के लिए, तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ से इसके 1.5 इंच के हैंडल राइजर्स हैं ये वाले, ये इसके अंदर हमने इंस्टॉल ऑलरेडी करे हुए हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने ये हैंडल लगाया है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ से भी, मतलब ये इसकी जो ये वाली जो स्ट्रेंथ है पाइप की, ये थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और साथ में इसमें हमने ये देखिए आपके, ये स्टॉक मिरर्स है, जो चीज़ जहाँ पर है सब कुछ वहीं पर है इसका, सिर्फ हमने ये हैंडल इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो अब जो है भैया का राइडिंग पोस्चर बिल्कुल ओके हो जाएगा। एक बार मैं भैया को बैठा के दिखलाता हूँ। तो ये भैया की बाइक है, तो आप देख सकते हैं भैया बिल्कुल अब स्ट्रेट बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर। तो अब इनके जो बैक पेन वगैरह का इश्यूज़ रहता है, जो हाथ में भी दर्द होता है आपके हथेली पे, इस पोर्शन पे प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह की काफ़ी वो रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचेंगे अब आप। और ये भैया ने हमारा वीडियो देखा था, हमने प्रीवियस वीडियो एक डाला हुआ है हैंडल को ही लेकर, तो भैया उसे देख कर आए हैं, तो भैया से पूछते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, तो भैया कैसा रहा? बिल्कुल सही था, काम जेन्युइन था, आना होगा सही से। बस टाइम के थोड़ा इशू रहता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसका। तो आपने अगर अपनी बाइक के लिए ऐसा कुछ कराना हो तो आप हमारी शॉप पर विजिट कर सकते हैं, ये करोल बाग दिल्ली के अंदर हमारी शॉप है आकांक्षा एक्सेसरीज के नाम से। आपके पास XYZ कोई भी ब्रांड की बाइक हो, उसकी सारी एक्सेसरीज और सारे गार्ड्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल होंगे, और रॉयल एनफील्ड का हमारे पास मैकेनिकल वर्क भी होता है। तो ये देख सकते हैं आप, रॉयल एनफील्ड का मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उस बाइक का सर्विसिंग हो रही है पूरा, रॉकर पैकिंग वगैरह लीक थी वो भी हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पर R15V4 जो है मैट ग्रे में जो आती है उस पर भी रैपिंग हो रही है, और इसमें भी हार्नेस का एग्जॉस्ट ये इंस्टॉल हुआ है, इसका सीट का वो इंस्टॉल होगा वो भी मैट में होगा। ये वाला पार्ट जो है भैया ने शाइन के लिए ही बोला है, बट इस पर स्क्रैचेज हैं तो इसमें हम डार्क शाइन करेंगे, तो ये भी प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास ये लीवर्स हैं, जब हमने इसमें लीवर्स इंस्टॉल करे हैं, एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल लीवर्स हैं, जब हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिए। साथ में इसमें हम अभी शॉकर प्रोटेक्टर्स और इंस्टॉल कर रहे हैं, ये गोल्डन कलर के शॉकर प्रोटेक्टर्स हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं। ये कुछ इस तरह के शॉकर प्रोटेक्टर्स होते हैं, और ये इस साइड पर इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए। तो ये काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख चुके आप, तो ये चीज़ हमने इंस्टॉल करी है। अब हम चलते हैं अपने सीट बेल्ट की तरफ। ये इसका इंजन ऑयल है जो अभी हम जो हमारी क्लासिक सर्विस हो रही है उसके अंदर डालेंगे। ये हमारा मैट में सीट का ऑयल है इसका R15V4 के लिए। ये आपका टाइप वन है मे बी, क्योंकि ये थोड़ा उठा हुआ है, और हमारे पास इसमें टाइप 3 भी आता है जो फ्लैट वाला होता है, ये टाइप 3 है फ्लैट वाला। तो काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं हमारे पास, एग्जॉस्ट वगैरह भी हैं, ग्रिप भी हैं, इंडिकेटर्स भी हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप हमारी शॉप पर आके विज़िट करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भैया के क्लिप ऑन हैंडल्स हैं, भैया को हमने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे हैंडल में, एक ये ऑफ रोड टाइप हैंडल था, RD शॉर्ट कहते हैं इसे, उसके बाद फिर ये हमने क्लासिक का जो बाइक के अंदर इंस्टॉल करा है ये वाला हैंडल है, उसमें क्रोम में भी दिखलाया था भैया को। और ये इसके जो क्लिप ऑन हैंडल्स आते हैं R15 के, वो देखिए ये रहे। तो हमने कोई भी जो भैया का जेन्युइन पार्ट है उसके साथ में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करी है, तो उसी के साथ में ही हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारी शॉप पर विजिट करें। थैंक यू सो मच।